वेलेंटेस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ में हथियारों का सिलसिला नहीं रुक रहा है। मेरठ के इचौली थाना क्षेत्र के नंगली ईशा के जंगल में लगभग 8 साल के मासूम बच्चे का शव मिलने से सनसनी मच गई। 8 साल के इस मासूम बच्चे की गला काट कर हत्या की गई है। मासूम का गला ही नहीं काटा गया बल्कि उसे जलाने का प्रयास भी किया गया। नेशनल हाईवे मेरठ पौड़ी मार्ग से 100 मीटर दूरी पर बच्चे का शव डाला गया था। जब खेत के मालिक ने बच्चे का हाथ कुत्ते को ले जाते हुए देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। ऐसे मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। कल भी मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र के एक 10वीं के छात्र की दोस्तों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। देखिए इस मामले में खेत मालिक से मिली जानकारी। क्या नाम भैया? अंकुर भारद्वाज। अंकुर भाई क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ जी मैं खेत में से कुलदीप चाचा की 12 से पानी लेकर का आ रहा था, पानी लेकर आ रहा था। तो मैं रास्ते में, मैं एक लड़का मनोज था, हम दोनों आए थे। उसने कही बच्चा पड़ा है। मैंने कि नहीं यार, वो तो वो जानवर पड़ा लवारा। तो हमने उन्होंने कि नहीं, हम फिर हम दोबारा गए तो बच्चा पड़ा, उसका हाथ कुत्ते ले गए, परे घूमे ऊपर ले गए। ये 8-10 साल का बच्चा जला रखा, हाँ गर्दन काट रखी, हाथ भी नहीं है। हाँ एक हाथ कुत्ते ले गए, गर्दन मिली नहीं। तो पुलिस को आपने सूचना दी है? हाँ। क्या कर रही है पुलिस? पुलिस अपना लेगी, अब उसे कार्रवाई करेगी। तो बच्चा गुमशुदा है क्या आसपास यहाँ पर? यहाँ तो हमारे आसपास में तो कोई है नहीं। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वर्धमान एकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th। स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान एकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।